आज हम साइंस में क्लास 7 में चैप्टर नंबर 7 में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो है क्लाइमेट। इससे पहले वाले वीडियो में क्लास में हमने वेदर के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि वेदर क्या होता है। वेदर एक ऐसा फेनोमेना है जो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, या तो डे के बेसिस पे चेंज हो या आवर के बेसिस पे चेंज हो, ठीक है, और कभी भी प्लेसेस के वेदर सेम नहीं हो सकते हैं। काफ़ी कुछ समय के लिए सेम हो सकते हैं, पर हमेशा कई जगहों पे एकदम सेम टू सेम वेदर हो वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हम वेदर को मेजर कैसे करते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर से। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अभी आज की क्लास में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर और क्लाइमेट एक ही जैसे लगते हैं, पर इनमें डिफरेंस है। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, एक बहुत लंबे समय तक वहाँ पे जो वेदर बना हुआ है उसकी पूरी स्टडी करने के बाद, वहाँ पे बहुत लंबे समय के बाद उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट बताना कि आज यहाँ अब यहाँ पे ऐसा मौसम होता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल से। आपके बुक में यहाँ पे टेबल दी हुई है जम्मू और कश्मीर की और केरला की, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे एक साल तक टेम्परेचर की स्टडी करी गई, ठीक है। तो कश्मीर में टेम्परेचर की स्टडी करी गई और केरला में टेम्परेचर की स्टडी करी गई। तो स्टडी करने में ये पाया गया कि आप देख सकते हैं कि अगर आप कंपेरिजन करें तो जनवरी में जहाँ पे कश्मीर में जो उसका मिनिमम टेम्परेचर था डेली का वो -2.3 डिग्री सेल्सियस था, वहीं पे केरला में ये 22.2 डिग्री सेल्सियस था। डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब जनवरी में केरला जहाँ ठंडा था, वहीं पर जनवरी में जो हमारा सॉरी जनवरी में कश्मीर जहाँ ठंडा था, वहीं पे केरला जो है उसका जो मौसम था वो हॉट टाइप का था, ह्यूमिड टाइप का था। और जनवरी में यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रिसीव हुई थी, यहाँ पर केरला में कम रिसीव हुई है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं टेम्परेचर्स में कि जो हमारा कश्मीर है वहाँ पर जो है एक ठंडी टाइप का मौसम बना हुआ है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। कभी कभी जो है वहाँ का टेम्परेचर राइज कर सकता है और रेनफॉल भी जो है वो मॉडरेट होती है, ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे नहीं रिसीव होती है। बट अगर हम केरला में देखते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि केरला का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हॉट टाइप का है, ठीक है, ह्यूमिड है। ह्यूमिड क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बरसात होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे 230-321 mm बरसात देखने को मिली, रिसीव हुई उस एरिया पे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो केरला का क्लाइमेट है, सॉरी केरला का जो वेदर है वो कश्मीर के मुकाबले थोड़ा सा गर्म है और थोड़ा सा ह्यूमिड है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो ये वेदर जो है वो हमेशा बना रहेगा ना केरला में। ये तो है नहीं कि अभी केरला में इस साल बारिश हो रही, अगले साल वहाँ पे पूरा जो है वो बालू रेत आ गई, सैंड बन गया, डेजर्ट बन गया, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे समय तक, आप कह सकते हैं 20 साल 25 साल तक वेदर की स्टडी होती है कि वहाँ का वेदर कैसा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। और साल दर साल स्टडी करने के बाद फिर ये रिजल्ट निकलता है कि हाँ फाइनली ये जो जगह है ना ये हमेशा जो है ये ऐसी ही रहती है, इसके तापमान में ये गर्म रहेगी या ठंडी रहती है, या ये डेजर्ट टाइप की है, या यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। बस टेम्परेचर अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे अब हमारा जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पे बर्फ तो जमेगी नहीं, वहाँ पे क्या है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हॉट रहेगा, ठीक है। और इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये कई सालों से आप खुद भी देख रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ है कि कई सालों राजस्थान में बर्फ जम गई हो बालू की जगह पे? ऐसा नहीं हुआ ना, सैंड की जगह पे। तो राजस्थान में जो वेदर है, वो जो वहाँ का एवरेज वेदर है, हर दिन का वेदर है, वो कैसा रहा है? लगभग लगभग हॉट रहा है और सैंड वहाँ पे पूरे उसका सैंड रहा है वहाँ पे, तो डेजर्ट टाइप का एनवायरनमेंट बन गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान है उसका क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ड्राई है, क्योंकि डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो क्लाइमेट को हम डिफाइन करते हैं
द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स, ठीक है, इज द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट क्या होता है, उस जगह के वेदर के पैटर्न की पूरी स्टडी करना और उस 25 साल तक की लगभग लगभग, और फिर बताना कि हाँ यहाँ पे ये इसका वेदर यहाँ पे अब ऐसा है, इसमें अधिक चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान की जैसे मैं बात कर रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, पूरे साल हाई रहता है, ठीक है, लेकिन जब ठंडियाँ आती हैं तो कुछ महीनों के लिए ठंडियों में टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। रेनफॉल यहाँ पे क्या होती है, बरसात बहुत कम होती है राजस्थान में, तो ये एक तरह से डेजर्ट का पूरा क्लाइमेट बन जाता है, और ऐसे क्लाइमेट को हम कहते हैं कि हॉट एंड ड्राई, हमेशा राजस्थान में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ही रहेगा। ठीक है, अब हम नॉर्थ ईस्ट की इंडिया की बात करते हैं, आसाम, चेरापूंजी, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, वेट है, गीला वाला क्लाइमेट है, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अब क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आगे के लिए भी और आपके इस चैप्टर के लिए भी, इसलिए कि अब कहीं का भी क्लाइमेट जो होता है उसी के हिसाब से वहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम तो प्लेन्स में रहते हैं, जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं या जो लोग बर्फीले जगहों पर रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं बर्फ वाले, तो अगर हम वहाँ पे जाके रहेंगे, नॉर्मल जो कपड़े प्लेन्स में पहनते हैं हम लोग, तो क्या होगा, हम जम के वहीं पे मर जाएंगे, है ना। तो हमें, हम कहीं अगर घूमने जाते हैं किसी बर्फीली जगह पे, तो हम क्या करते हैं, हम उस हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए अपने पास सामान रखते हैं, गर्म कपड़े रखते हैं, गर्म शूज रखते हैं, पूरा ढक के जाते हैं बर्फ में घूमने, ऐसा तो है नहीं कि बस कुछ भी पहना, हल्का फुल्का कॉटन का, चल दिया घूमने बर्फ में, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम जिस जगह पे रहते हैं या जिस जगह पे जो लोग रहते हैं उस वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है खुद को, ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। ठीक है, ठीक यही चीज़ एनिमल्स के साथ भी होती है, जो एनिमल्स हों या चाहे प्लांट्स हों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे सर्वाइव करने के लिए वहाँ की प्लेस की जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से एडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। अब ये कैसे होगा, ठीक है, अब जो जानवर बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं और जो जानवर बहुत गर्म इलाकों में रहते हैं, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है ना। अब आप जैसे देखिए पोलर बियर्स को, जो ठंडी बर्फ़ वाले इलाके में रहते हैं, अब पोलर बियर्स कैसे होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फर होता है, वाइट कलर का, है ना, बहुत मोटे मोटे फर होते हैं। फर क्यों होते हैं, ताकि जो है उनको, जो है जो बाहर इतनी बर्फ़ पड़ी है उससे जो है उनको शील्ड मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, उनकी बॉडी वार्म रह सके, ठीक है। और जो डेजर्ट में देखिए ऊँट होता है, क्या ऊँट के बॉडी पे बड़े बड़े फर होते हैं, कभी आपने देखा है, नहीं, उस पर बहुत स्कैंटी हेयर्स होते हैं, इसलिए क्योंकि डेजर्ट का एनवायरनमेंट बहुत गर्म होता है, उसको सैंड पे चलना होता है, अगर इतने बड़े बड़े फर उसके उग जाएंगे तो गर्मी के मारे जल जाएगा, तो इसलिए उसके बॉडी पे स्कैंटी हेयर्स होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अब जिसको डेजर्ट में रहना है उसको उस हिसाब से स्किन जो है उसकी स्किन थिक होगी, स्केली होगी, और जिसको कोल्ड एरियाज में रहना है उसके ऊपर फर की पूरी कोटिंग होगी। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, क्या क्या चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं ताकि वो अपने उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे हम पोलर रीजन्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के मॉडिफिकेशन एडॉप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।